नमस्कार, मैं आलोक कुमार। स्टैंडर्ड 4 के लिए यह आपके पास 4 डिजिट नंबर के कुछ बातें हैं जो आपको ब्लैक बोर्ड के भी माध्यम से हमने दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि फैक्ट है कि देयर आर 9 वन डिजिट नंबर, एक अंकों की 9 संख्याएं होती है। तो 1 से लेकर 9 तक ये जो आप देख रहे हैं तो इसमें 9 डिजिट्स होते हैं। और आगे आप देख रहे हैं कि 90 में भी 10 से लेकर 99 तक में जो है आपको 90 डिजिट्स संख्याओं में 90 होते हैं। आगे आप देखेंगे के 100 से लेकर 9 और 9, तो उसमें आपको यानी 3 डिजिट्स के नंबर जो आपको देख रहे हैं वो कितनी संख्याएं होंगी, तो आपको होगी 900। उसके बाद आगे है आपको 4 डिजिट नंबर में, 4 डिजिट में यू आर लुकिंग द स्क्रीन, 4 डिजिट नंबर आप देख रहे हैं। देयर आर 904 डिजिट नंबर्स, नेमली 1,000 to 9,999। ओके, नाउ तो ये आपको 1,000 से लेकर 9,999 तक में 9,000 आपको डिजिट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर की। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लाइक एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हैं, फिर आपके पास लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू आपके पास जितने भी नंबर आपके पास 4 डिजिट के हैं वो आपके पास हो जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपको ब्लैक बोर्ड में कल आपको वीडियो में दिया गया है, आप देख रहे हैं। राइट द नंबर्स, नेम में आपको लिखना है 3,246। यू नो, आप लिख सकते हैं किस तरह से लिखना है आपको। तो यहाँ पर 3,000 आप लिख सकते हैं, आराम से क्लियर से लिख सकते हैं 3,246। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यहां पे 4 और 6। आगे है आपको 1,110, आप लिख सकते हैं 1,110, 1,110 और 10, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर आपको है, राइट द नंबर नेम ऑफ द गिवन न्यूमरल्स, 3,612 दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3,000। ये आपको राइट द शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया हुआ है 3,100। तो ये देखिए, तो ये आप इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह से 6,230 ये सेकेंड नंबर में आ जाएगा, 6,230 ये सेकेंड नंबर हो जाएगा, तो आप इसको बना सकते हैं। 4 नंबर में है एक्सपेंडेड फॉर्म, आप एक्सपेंड कर सकते हैं आपको अलग अलग संख्याओं में। तो ये 7,6 आप देख रहे हैं कि जैसे 7,6,4,6, इसमें ये 1s हो गया, ये 10s हो गया,
ये 100 हो गया और ये आपको 1000s हो गए। तो इस तरह से आपके पास इसको आप लिख सकते हैं, 6000 लिख सकते हैं। तो 6000 यहाँ पर आप लिखेंगे 6000 प्लस 0 आपको 100 लिखना है, 100 लिखना है, प्लस 9 आपको 10 लिखना है, और प्लस में 4 आपको 1s लिखना है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। राइट द मिसिंग नंबर है, ये भी आपको ब्लैक बोर्ड पर बताया गया था, ये भी होमवर्क के तौर पे आप इसको बना सकते हैं। मिसिंग नंबर है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 800 यहाँ पे छूट रहा है, तो ये आप 800 यहाँ पर जैसे ही डालोगे आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। राइट प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। प्रीडिसेसर्स क्या होता है कि पहले की संख्या होती है, तो आप पहले की संख्या लिखेंगे, और 1001 है तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे 1000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000। क्लियर है? इस तरह से प्रीडिसेसर और सक्सेसर में 1 प्लस कर दिया जाता है। 7 नंबर पे, 7 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, तो सक्सेसर नंबर, सक्सेसर में 1 प्लस कर दिया जाता है, यहाँ पे सक्सेसर हो जाएंगे और आराम से इस सक्सेसर को आप बना लेंगे। क्लियर है? और यहाँ पर हो जाएगा 1000, ये आपको सक्सेसर नंबर हो जाएंगे। इस तरह से आप बनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1112 हो जाएंगे। आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रेटर देन, स्मॉल देन और इक्वल टू में आपको सिंबल को समझना है। तो वो आपको क्या करना है कि जैसे जो जिधर बड़ा है वो बड़ा वाला सिंबल लगाना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ये सपोज दैट यहाँ पर आपका कैसा सिंबल लगेगा, 1122, और यहाँ देखिए, तो हम लोग मैच क्या करते हैं इसको ज़रा सा देखें। 1 से जब हम 1, इसको यदि हम सबको अपने अपने डिजिट में देखिए, हम मिला के देखें तो देखिए, तो इधर से यदि 1s, 10s, 100 और 1000s की बात करें, तो 1000 में यहाँ 1 है, 1000 में क्या है, 1, और यहाँ 1000 में 2 है। इसका मतलब है यहाँ भी 4 डिजिट था और यहाँ भी 4 डिजिट था। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा ये सिंबल बनेगा। तो हम इस तरह से हम यहाँ पर भर सकते हैं ये, और यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, तो 9 तरफ हमारा बड़ा हो जाएगा। यहाँ आगे क्वेश्चन देखिए, ये 7 है और यहाँ 2 है, तो 7 तरफ ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से आप ये पूरा आपको बनाना है, 8 नंबर का बना लेंगे। ग्रेटर देन रिमेंबर भी रखना है इस चीज़ को थोड़ा सा। ये देखिए, ये आपको सिंबल है ग्रेटर देन के लिए, ये है लेस देन के लिए, ये आपको इक्वल टू कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यू नो आप इसको सिस्टम से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, भली भांति आप इसको बनाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग क्वेश्चन को बनाएं ज़रूर और हमारे व्हाट्सएप पर डालें, क्लासरूम में डालें, और इस विभीषिका में आप बने रहें, पढ़ते रहें और अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। आपको ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज आपको करना है। तो ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व एंड पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज। दैट मींस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है 3250, फिर आपको 4000 देख रहे हैं कि 250 है, फिर 5250 है। इसका मतलब है कि अगला नंबर जो हमारा होगा वह होगा 6250, 7250, 8250, मतलब 8000 में हमारा जो है इंक्रीज कर रहा है।
आगे यहाँ पर 1111 है, 222 है, बी नंबर में सीरीज को समझना है और सीरीज के हिसाब से आपको लिख देना है और आराम से आगे नीचे वाला भी बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बातें हैं आपको अरेंज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग दैट मीन्स हम स्मॉल से लार्ज नंबर की तरफ जाते हैं, वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है, और हम लार्ज से स्मॉल नंबर की तरफ जाते हैं वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इसमें से संख्या को चुनना है 10 नंबर में, और अपने आप से सिस्टम से हम बना सकते हैं, और ये 1 नंबर का 10 का ये इसको बना के कंप्लीट कर सकते हैं। अरेंज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आपका हो जाएगा। मिसिंग नंबर यहाँ पर आपके 12 नंबर में मिसिंग नंबर दिया हुआ है, 444 से लेकर 8000 तक है, तो 4000 के बाद यहाँ 5000 हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा, ये 6000 वाला हो जाएगा, ये 7000 वाला हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 8000 वाला हो गया, तो यहाँ पर 5444 लिखते चले जाएंगे, 44 सर साढ़े में 444 कॉमन है, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, तो आप इसको कर लेंगे, बना लेंगे। अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है। तो आपको 13 नंबर की बातों को देखिए, आपको कह रहा है कि ग्रेटेस्ट आपको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है 5, 6, 9 और 7 से, 5, 6, 9 और 7 से बनाना है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको देखना है ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनता है और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है। चार अंकों की संख्याएं हैं, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या आपको आ रहा है इसमें 9, तो ये देखिए 9 है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9, उसके बाद लिखेंगे हम 7, उसके बाद हम लिखेंगे 6, उसके बाद हम लिखेंगे 5। इस तरह से ये हमारा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारा ए का रेडी हो गया। उसी तरह से आप स्मॉलेस्ट का, हम सी नंबर एक बता रहे हैं, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको करना है। स्मॉल सबसे छोटी संख्या तो है 0, बट हम यदि 0 पहले लिख देते हैं तो हमारा संख्या जो है 3 डिजिट का रह जाता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 0, तब लिखेंगे 8 और उसके बाद लिखेंगे 9, तो ये आपको सी नंबर का हो गया। तो बी और डी खुद बनाना है, आपको दो क्वेश्चन आपको बता दिया गया। आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन आपको है, काउंट द बीट ऑन द एबेकस एंड राइट द नंबर। तो काउंट करना है एबेकस पे, पहले क्लास में आप लोग देखे होंगे। अब एबेकस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 40 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है दैट मीन्स क्या, यहाँ पर आपको 0 लिखना है, उसके बाद यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, 1, अब इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं तभी समझ में आएगा, ये ज़्यादा बढ़ गया, इसको कम कर लेते हैं ताकि आप समझ सकें, ये और थोड़ा नीचा कर दो, ओके। अब देखिए एबेकस पे, ये बहुत पहले से आप लोग बनाने के लिए जानते हैं, यहाँ वंस पे कुछ नहीं है, हम लोग 0 डालेंगे, टेंस में 1 है तो वहाँ 1 डाल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 है 5 डाल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो यहाँ पर 7 डाल देंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट आप अपने क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं, बना सकते हैं और आराम से, ये देखिए ये बन सकता है। तो वी शो 9 मैक्सिमम ऑफ द बीट्स ऑन द रड ऑन द एबेकस, एम्प्टी रड मीन्स द नो बीट्स, ये देखिए आपको दिया हुआ है एम्प्टी रड, खाली जो रड है उसका मतलब है कि वहाँ पर बीट नहीं है, और मैक्सिमम जो है 9 बीट्स ही हमारे ऊपर लग सकते हैं, 9 से ऊपर हमारा बीट्स नहीं काम कर सकता है। डियर स्टूडेंट यू नो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पर जाएंगे और 15 नंबर के क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं कि क्या है। 15 नंबर के क्वेश्चन में है आपका, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द एबेकस बाय द ड्राइंग बीट्स। तो यहाँ पर आप ड्राइंग बीट्स में एबेकस आपको बनाना है,
तो आप यहाँ पर एबेकस बना सकते हैं और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको एबेकस बना सकते हैं। जितनी संख्याएं दी है हुई है उसका एबेकस आप बनाएंगे और आराम से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यू नो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर बी को आप देखिए, वंस है, टेंस है, हंड्रेड है, थाउजेंड्स है, फोर बीट्स यहाँ पे डालना है, तो वंस पे फोर बीट्स डल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पे आपको डाल देते हैं, तो ये आपको डल जाएगा। ये देखिए फोर बीट्स इस तरह से, वन टू थ्री, फोर बीट्स डाल दिए। यहाँ सेवन बीट्स डालना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन बीट्स डल जाएगा। यहाँ पे सिक्स बीट्स डलेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे थ्री डलेंगे, वन टू और थ्री। इस तरह से आप अच्छे से ड्राइंग करके आप इसको बिट्स बना सकते हैं और अच्छे से ये आपका 15 नंबर के होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है ये हो जाते हैं। अगले दिन के वीडियो में हम लोग पीरियड एंड और भी बातों को समझेंगे, वंस डिजिट और इसमें थाउजेंड्स में क्या होता है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को अगले वीडियो में हम लोग लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बनाते रहिए, सुंदर से रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। ये हमारी आपसे शुभकामनाएं हैं। और YouTube पर वीडियो देखिए और Google Classroom को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप जो है अच्छे से सेंड कर सकते हैं तो सेंड कीजिए, कोई परेशानी होती है तो अपने शिक्षकों से कॉल कीजिए और आपको बहुत बहुत बधाई।